सभी को नमस्कार। मेरा नाम दमयंती है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं आज आपको कबीर के दोहे सुनाने वाली हूँ। कवि का परिचय। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। माना जाता है कि इनका जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीर की वाणी का संतरा बीजक है। इसके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। इनकी भाषा साधुकड़ी है। इनकी रचनाएं मानवता पर बल देती हैं। इनका निधन सन 1528 में हुआ। इनका दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। इनका दूसरा दोहा। साई इतना दीजिए, जा मैं कुटुम समाई। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजरा चल जाए। मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। धन्यवाद।